KK, a popular singer, had a concert in Kolkata and collapsed. जिसके पास होता है ना, उसे उसकी कदर नहीं होती। जिसके पास नहीं होता है, उसे ही उसकी कदर होती है। इंडिया में हर मिनट जो है, चार लोग लगभग शिकार हो जाते हैं हार्ट अटैक का, जिनकी उम्र सिर्फ 30 से 50 के बीच में होती है। और इतना ही नहीं, इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमारे यंग इंडियंस में 33% जल्दी हार्ट अटैक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है कंपेयर टू अदर डेमोग्राफिक्स। और 50% ऑफ ओवरऑल हार्ट अटैक्स जो हमारी कंट्री में होते हैं, उन लोगों की उम्र सिर्फ 50 से कम होती है, और 25% सिर्फ 40 से भी कम होती है लोगों की। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यंग इंडियंस इतनी जल्दी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? तो आज जानेंगे 7 ऐसे रीजंस जिस वजह से ये हो रहा है, और क्या हम कर सकते हैं एज प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम ऐसी कंडीशन से बच सकें। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में एंड तक। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वी ब्रिंग वीडियोज लाइक दिस एवरी वीक, एंड लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट व्हाई यंग इंडियंस आर गेटिंग हार्ट अटैक एट सच यंग एज। तो पहला रीजन है एथनिसिटी। जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन के जो लोग हैं, उनको 4 times दे आर मोर लाइकली टू गेट हार्ट अटैक्स देन कंपेयर टू अवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। हमारे जो रिस्क प्रोफाइल है हार्ट अटैक के नजरिए से, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो कॉर्डिनरी आर्टरी, वो थोड़ी स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू अवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, जो वहां वेस्ट में जो लोग हैं उनसे। तो उसकी वजह से भी ये एक रीजन हो जाता है। सो हमारी जो जेनेटिक डिस्पोजिशन है, वो हमें ऐसा बनाती है कि हम हार्ट अटैक के ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। और इसी के साथ अदर रिस्क फैक्टर्स भी हमारे में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, प्रीमैच्योर डायबिटीज और कोलेस्ट्रोल डिजीज रिलेटेड डिजीजेस, जो हमारी जो जेनेटिक्स है वो ऐसी है कि ये ज्यादा हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और उसी की वजह से इंटर्न हार्ट रिलेटेड डिजीज भी हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा रीजन है लाइफस्टाइल। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम पूरे दिन जो हमारा खान पान है वो ऐसा बन गया है कि हम बहुत ही ज्यादा सॉल्टी, शुगरी, फैटी, ये इस टाइप के फास्ट फूड वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं इन एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बिल्डअप हो जाता है बैड फैट्स, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे आर्टरीज में, और उससे हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ जाती है। तो जो हार्ट है उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ता है वो ब्लड फ्लो कराने में, तो वो एक रीजन हो जाता है जिस वजह से मेल फंक्शन हो जाता है बेसिकली फिर हार्ट में। जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा किसी भी चीज पे तो मेल फंक्शन होना तो लाजमी है। और इसी लाइफस्टाइल की वजह से अदर डिजीजेस लाइक ओबेसिटी और डायबिटीज, इनफैक्ट हम तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जाने जाते हैं इंडिया, तो इन वजह से भी हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, एंड वी बिकम्स 3 times मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर फैक्टर। और तीसरा रीजन है स्ट्रेस। हम आजकल इतने कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, हर टाइम सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं कुछ भी बैड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन और इंटरकनेक्शन है कि वो न्यूज़ इतनी जल्दी फास्ट ट्रेवल करती है और आपके अंदर स्ट्रेस बिल्टअप बढ़ता जाता है उन न्यूज़ की वजह से। तो ये चीज़ें हमारे टोल लेती हैं पूरी बॉडी पे। और ऐसा नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से सिर्फ मेंटली असर पड़ता है, फिजिकल बॉडी पे भी वो असर नजर आता है। एंड ये एक मेजर रीजन है आज के यंग पॉपुलेशन में, जो उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है चीजों का, फाइनेंशियली, अदरवाइज, रिलेशनशिप का, जो उनको इफेक्ट करता है फिजिकली। तो स्ट्रेस जो है वो काफी दिक्कत करता है एज हमारी फिजिकल बॉडी जहां पे कंसर्न है। चौथा रीजन है टोबैको। बेसिकली स्मोकिंग जो हमारी कंट्री में बहुत प्रेविलेंट है, बीड़ी, सिगरेट्स, इससे क्या होता है, जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, एंड दैट कट्स आउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उनके ऊपर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है, एंड जो जैसे हार्ट जैसे ऑर्गन वो मेल फंक्शन कर सकते हैं। टोबैको की वजह से प्लैक ऑब्लिक फैट का भी बिल्डअप बढ़ जाता है आर्टरीज में, तो वो अगेन अनड्यू प्रेशर फिर क्रिएट करते हैं हार्ट के ऊपर। ये तो एक बहुत ही मेजर रीजन है। अगर आप देखेंगे इतने हट्टे कट्टे लोग
को भी हार्ट अटैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि दे स्मोक. वो एक मेजर रीजन है लीडिंग टू हार्ट अटैक इन यंग मैन. पांचवा रीजन है अल्कोहल. अल्कोहल की इनटेक अभी कुछ रीसेंट ईयर्स में यंग इंडियंस में बहुत बढ़ गई है. और अल्कोहल जब आप इनटेक करते हैं तो आपकी आर्टरीज जो हैं, जो एजिंग के साथ लेस फ्लेक्सिबल, लेस इलास्टिक होनी चाहिए, वो आपकी पहले ही इतनी स्टिफ हो जाती हैं अल्कोहल इनटेक की वजह से. तो जो आपकी आर्टरीज हैं वो जो स्टिफ हो जाती हैं, दे बिकम लेस इलास्टिक, लेस फ्लेक्सिबल, तो ब्लड फ्लो में उतनी ही दिक्कत आती है. एंड देन अगेन इन टर्न इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन हार्ट. तो अल्कोहल इज अगेन अ मेजर रीजन व्हाई यंग इंडियंस आर गेटिंग हार्ट अटैक. छठा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज. हम आमतौर पे देखते हैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो जाता है अगर आप कोई डेस्क जॉब कर रहे हैं. एंड मैक्सिमम इंडियंस आजकल डेस्क जॉब में, आईटी में, कॉरपोरेट सेटअप में इन्वॉल्व है. उनकी 9 से 5 या जैसे भी उनकी होती है वो एक डेस्क जॉब हो जाती है. उसमें ज्यादा घूमना फिरना, चलना फिरना नहीं हो पाता और एक्सरसाइज करने का एक मोटिवेशन नहीं रहता. तो ये चीज बड़ी हैम्पर करती है आपको. अगर आप फिट नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हार्ट आपका कमजोर होते जाता है टाइम के साथ. तो ये एक बिग रीजन है जिस वजह से लोगों में हार्ट अटैक की इतनी ज्यादा सिचुएशन बढ़ गई. और सातवां और आखिरी रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप. मतलब रात को ढंग से सोते नहीं है लोग. नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और ये सब चलता रहता है. इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. हमारे पास इतने ऑप्शंस है करने को, चीजें एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कि स्लीप हमारी इतनी हैम्पर हो जाती है. और अगर आपको बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, स्लीप नहीं मिलती, तो वो आपकी बॉडी पे टोल लेती है. बेसिकली इट क्रिएट्स अनड्यू स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है काफी लोगों की जो नाइट शिफ्ट होती है उनका तो पूरा रूटीन ही खराब हो जाता है. नाइट शिफ्ट, यूएस शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का. तो ये लैक ऑफ स्लीप इज अनदर मेजर रीजन व्हाई यंग इंडियंस आर गेटिंग हार्ट अटैक. और इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क होता है. कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वो किसी को भी किसी भी टाइम हो सकता है. एंड विच हैपन्स कार्डियक अरेस्ट, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ रिदमिक प्रॉब्लम और मसल डिसऑर्डर, जिसको बोला जाता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. एंड ये ज्यादातर लोग इसको डायग्नोज कर नहीं पाते यंग एज में, और इसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट जो है होता है वो हो जाता है लोगों में. एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जो कंडीशन है वो ओवर अ पीरियड आपकी डेवलप होती है. बेसिकली आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज, क्लॉट्स वगैरह जो बनते हैं, और वो भी जब होते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं. लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो है वो आपको सडन हो सकता है. तो ये तो थे 7 रीजंस जिस वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो तरीका है वो है चेंज इन लाइफस्टाइल. देखिए, हम अपना जेनेटिक डिसऑर्डर जो अगर है हमारे यहाँ वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपना लाइफस्टाइल हमारे कंट्रोल में है वो हम बदल सकते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट लें. क्योंकि आमतौर पर जब आप ज्यादा वर्क करते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, तो आप खाते भी गलत हैं और आपको ना प्रॉपर स्लीप मिलती है और ना ही एक्सरसाइज का कोई मौका मिलता है. तो अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज करें तो काफी सिचुएशंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप. और अगर आपको जानना है ये कैसे किया जा सकता है तो मैं ये लिंक डालूंगा इस वीडियो की, आप देख सकते हैं कि कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट. तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें, ये बहुत काम आएगी विदाउट गिविंग मच टाइम. एंड कुछ हैक्स भी मैंने इसमें बताए हैं कि आप कंटिन्यूड एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं. तो वो वीडियो आप जरूर देखें एक बार जाके. दूसरा तरीका है आप अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स कराएं. जस्ट बिकॉज आप 20, 30s और 40s में अपने अर्ली, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको नहीं हो सकता. हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है इस एज ग्रुप में. तो अपना कंटिन्यूड चेकअप कराना रेगुलर इंटरवल्स पे बहुत जरूरी है. अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करके जरूर पता करें किस टाइप के टेस्ट जरूरी हैं हर रेगुलर इंटरवल पे, 6 months में, साल में, क्वार्टरली, क्या टेस्ट हमें कराने की जरूरत है. इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अब हमारी बढ़ गई है, उसका यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है. आज की लाइफस्टाइल्स को देखते हुए अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपना चेकअप जो है रिक्वायर्ड वो कराते रहें तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा. देखिए, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन
प्रिवेंट करना इज नॉट एन इजी टास्क, बट जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 100% प्रिवेंट करना इज इम्पॉसिबल, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज का शिकार होने से पहले आपको पता चल जाए, ओबेसिटी का शिकार होने से पहले आपको पता चल जाए, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हो सकता है कि आप फर्स्ट एड और CPR जैसी टेक्निक सीख लें, क्योंकि अगर आपके आसपास के किसी को अगर हार्ट अटैक जैसी कंडीशन हो रही है तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि CPR में सिखाया जाता है कैसे आप माउथ टू माउथ ब्रीद कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अगले को हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर उसको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जब तक एम्बुलेंस या उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। ये चीजें आपको हेल्प करेंगे, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर अदर्स हु आर अराउंड यू। और अगर आपको अपने अंदर या आसपास किसी को ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, डिजीनेस, चक्कर टाइप आना, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और आपको ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आ रही है, तो इनको इग्नोर ना करें, जरूर अपने फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करें। मे बी ये आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं फ्यूचर में, या फिर आसपास आपको लग रहा है किसी आपके दोस्त को, फैमिली मेंबर को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको जरूर सजेस्ट करें कि अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें, हार्ट स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करें और पता लगा लें एटलीस्ट अगर इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तो, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या रीजंस हैं जिन वजह से हार्ट अटैक हो रहा है और क्या प्रिवेंशन हम उसकी कर सकते हैं। एंड जरूर करें सब्सक्राइब इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।